नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायबरेली की बड़ी खबर से। रायबरेली जनपद में स्थित केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना एनटीपीसी इन दिनों जहर उगलने का काम कर रही है। जी हां, जहर उगल रहा है एनटीपीसी। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी के प्रदूषण से प्रभावित उन गांवों की, जहां के लोग प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लोग प्रदूषण की वजह से खुली हवाओं का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल खुली हवाओं में एनटीपीसी का केमिकल युक्त कोयला, राख व चिमनी का धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। प्रदूषण की बात की जाए तो एनटीपीसी के प्रदूषण से प्रभावित दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां के लोग बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। परियोजना के इर्द गिर्द बसे गांव सराय, सहजन, मोखरा, बिकाई, बहरवा जैसे तमाम गांव परियोजना के प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। परियोजना से खुली हवाओं के साथ उड़ने वाली केमिकल युक्त राख, कोयले व चिमनी के धुएं के प्रकोप से लोग जानलेवा बीमारी टीबी, हैजा जैसी भयानक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, कई तो अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो प्रदूषण की वजह से तमाम जानलेवा गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। मोदी जी ध्यान दें, प्रदूषण फैला रहा है एनटीपीसी। जी हां, रायबरेली जनपद के ऊंचा में स्थित एनटीपीसी परियोजना लोगों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। दरअसल परियोजना से खुली हवाओं के साथ उड़ने वाले केमिकल युक्त धुएं, राख व कोयले के प्रकोप से इलाकाई लोग भयानक जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और तो और, अगर हम बात करें बैतरणी के रूप मगंगा की, तो वो भी एनटीपीसी के प्रदूषण से नहीं बच पाई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने इन्हें राष्ट्रीय नदी का दर्जा देकर प्रदूषण से बचाने की पहल तो की। तत्कालीन पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल एनटीपीसी से निकलने वाला गंदा नाला नगर से होते हुए सीधे गंगा नदी में मिलाया गया है। इस नाले के रास्ते एनटीपीसी का सारा कचरा, गंदा मलमूत्र सीधा गंगा नदी में मिलाया जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्रियों के सामने एनटीपीसी की इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों, ये बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि समाचार के प्रकाशन को लेकर एनटीपीसी व पीएम कितना संजीदा होते हैं। आप हमारी खबरों को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। खबरों को ऑनलाइन देखने के लिए अभी विजिट करें www.sarasamaynews.com।